अच्छा, अब प्रशिक्षण और विकास का संगठन को क्या लाभ है? आपसे एक बार पूछा जाएगा संगठन को क्या लाभ है, फिर एक बार पूछा जाएगा कि व्यक्ति को क्या लाभ है, कर्मचारी को क्या लाभ है। बहुत कुछ कॉमन होता है ना। व्यक्ति का उत्पादन स्तर बढ़ेगा तो व्यक्ति ज्यादा कमाने का पोटेंशियल लगता है, लेकिन उत्पादन स्तर बढ़ा तो फायदा किसका हुआ? संगठन को। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप एक ही तरह से पढ़ लोगे, दोनों का उत्तर आपको बहुत हद तक मिलता चला जाएगा। हम लोग एक एक करके दोनों को देखते हैं फटाफट। क्या होता है संगठन को लाभ? पहला तो ये है कि व्यवस्थित अधिगम। व्यवस्थित अधिगम मतलब क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम है। स्ट्रक्चर्ड मतलब व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, अधिगम मतलब लर्निंग। तो क्या हुआ, सीखने की जो प्रक्रिया है ना, अगर आपने पहले से व्यवस्थित बना रखी है तो वो बहुत सारे संसाधन बचाती है किसी भी संगठन के। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो गलतियां लोगों को रियल लाइफ में करने दिया, आपके संसाधन जो थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक एयरलाइन है, एयरलाइन कंपनी। एयरलाइन का मतलब क्या हुआ, जो जहाज उड़ाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब उसमें आपने पायलट्स को ट्रेनिंग दे रखी है, ठीक। अब आप किसी पायलट को फर्स्ट टाइम बोलते हो कि ठीक है जहाज उड़ाने जाओ, अब अगर प्लेन क्रैश कर गया तो नुकसान किसका हुआ? कंपनी का हो गया। उसी की जगह सिमुलेशन होता है। सिमुलेशन एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप जहाज उड़ा रहे हो, ठीक है, उड़ नहीं रहा होगा, कुछ भी नहीं उड़ रहा होगा, लेकिन वो सिमुलेटर होता है, वो बहुत हद तक आपकी कॉस्ट को बचा लेता है। तो जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं वो आपकी पहले ही दूर हो जाती है, जिससे कि संसाधन बहुत कम बर्बाद हो, ऐसी कोशिश की जाती है। तो हमेशा ही जो स्ट्रक्चर्ड तरीका है, प्रक्रिया है, वो बहुत हद तक क्या कर देती है, बार बार गलती करके सीखने वाली विधियों से हमेशा ही बेहतर होती है ना, जिसके कारण पैसा और प्रयास दोनों की ही काफी बचत हो जाती है। तो ये फायदा हुआ। दूसरा क्या है, जो प्रशिक्षण कर्मचारियों की दोनों ही प्रकार की उत्पादकता, मात्रा और गुणवत्ता। मात्रा को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी और गुणवत्ता को बोलते हैं क्वालिटी। तो बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही टर्म्स में प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव कर जाती है, और उसका फायदा सीधे तौर पर जो संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उसको मिलता है। फिर भविष्य के प्रबंधकों को तैयार करने का कार्य करता है। मतलब क्या हुआ, ट्रेनिंग चल रही है ना, कोई एक बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, बहुत सीनियर हैं, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने ही कुछ सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट मतलब जो उनके अधीनस्थ काम करने वाले लोग, उनको बताई। तो इनमें से जो नए लोग थे उन्होंने भी कई सारी चीजें सीख ली। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी तो क्या कर सकते हैं, इन्हीं में से कोई स्मार्ट व्यक्ति है वो उन मैनेजर साहब का काम कुछ समय के लिए तो कर ही सकता है, और भविष्य में वो सीखते सीखते एक नया मैनेजर के रूप में तैयार हो सकता है। तो नया मैनेजर, नया प्रबंधक बनाने के लिए भी क्या हो जाता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी ट्रेन किया जाता है, जिससे कि एक तरह का प्लान बी या बैकअप बनता है मैनेजर्स का, ठीक। अच्छा, तो ये भी फायदा हो जाता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है। मनोबल का मतलब क्या हो जाता है, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और मनोबल बढ़ जाता है, मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक। अच्छा, और अनुपस्थिति, काम में मन नहीं लग रहा, कुछ नया नहीं है यार, बहुत लोग मेरे बैचमेट्स से बहुत शिकायत करते हैं यार कंपनी में कुछ नया नहीं है, अब कुछ मजा नहीं आ रहा। सीखते रहने की आदत जब बन जाती है ना, तो आपको अगर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा तो भी बहुत झटपटाहट होती है, तो ऐसा हो जाता है। कर्मचारियों के संस्था छोड़ने की दर को भी कम करता है, और कर्मचारियों के संस्था छोड़ने की दर भी बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी संगठन के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक देखा हुआ है कि भर्ती और चयन में संसाधन बहुत सारे खर्च होते हैं। आप बड़ी मुश्किल से तो किसी को लेकर के आए, उसको आपने ट्रेन भी किया, सब कुछ सिखाया, और वो कंपनी छोड़कर के चला जाए तो आपकी बहुत सारी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए अगर आपके यहाँ पर लोग आकर के रुके हुए हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है किसी भी संगठन के लिए। तो ये सारे किसके लिए लाभ हो गए, संगठन को। और लाभ क्या है, तेजी से परिवर्तित होते तकनीकी तथा आर्थिक वातावरण से आवश्यक परिचय प्राप्त कराने के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी बहुत तेजी से बदल रहा है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदलने का मतलब एक बहुत ही सिंपल उदाहरण समझ लीजिए, पानी के बताशे है ना, गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं पानी पूरी बोलते हैं, कहीं गुपचुप बोलते हैं, बहुत सारे नाम और मुझे बहुत पसंद है। तो कोविड के टाइम पर भी और नोटबंदी के टाइम पर भी लोगों ने पेटीएम या गूगल पे या फोन पे या एयरटेल बैंक, इन सब का एक अपना यूपीआई का क्यूआर कोड लगाने स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब कैश नहीं चल रहा है, अब कैश है भी नहीं किसी के पास नोटबंदी के टाइम पर, कोविड के टाइम पर लोग नोट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे जिससे कि कोविड बीमारी ना फैले, तो लोगों ने डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ जाना स्विच करना स्टार्ट किया। तो अगर कोई पानी की दुकान वाला ऐसा है, पानी के बताशे की दुकान वाला, जो चाहता है कि नहीं नहीं हमें तो भाई सीधा कैश दो, तो वो अपने आप ही मार्केट में पीछे जाने लगेगा, जबकि उसका जो काम है वहां पर कोई ऐसी बहुत भारी भरकम टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आर्थिक परिवेश बदल चुका है, तो उसको भी परिवर्तित करना पड़ रहा है। उसको भी जिस तरह का लेन देन हुआ करता था वो भी
पड़ता है, उसको खुद भी करना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो। तो इस तरह की चीजें होती चली जा रही हैं, ठीक। अच्छा, तो इस तरह के लाभ हो जाते हैं किसको, संगठन को।